आज की हमारी क्लास में हम एक्सेल के में पिरामिड बनाएंगे। क्या था कि जो पिरामिड जो हम बता रहे हैं आपको, बेसिकली बहुत सारे जो प्रोग्रामिंग के क्लासेस है उसमें इंटरव्यू में या फिर आपके जो ये है एग्जाम्स है उसमें पूछे जाते हैं। तो मुझे इस तरह के पिरामिड बनाने, ठीक है, इस तरह के पिरामिड, पूरा आधा मिला हुआ, सब मिला, ठीक है। तो कैसे करें, चलिए इसी चीज पे डिस्कस करते हैं। आप ये पिरामिड किस लिए यूज होते सर? इससे लूप की प्रैक्टिस होती है, ठीक है सर। तो कैसे बनाए, चलिए तो यहां पे हम सब्जेक्ट देते हैं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, और यहां पे हम लूप _1 करते हैं, ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहां पे लगाते हैं यहां पे लूप की फोर आई इक्वल टू चले 1 2 5, क्योंकि तो इसमें 5 रो है ना, इसलिए 5 पर चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आई, और यहां पे हम देंगे फोर की फोर आई इक्वल टू चले 1 2, आई नहीं जे होगा ना, क्योंकि एक बार आई ले चुके हैं ऊपर हम, तो जे 1 इक्वल टू आई। नेक्स्ट आई, फिर सेल्स, सेल्स में हम यहां पे देते हैं आई कॉमा जे वैल्यू, हाँ नेक्स्ट जेड करना भूल गए, ठीक है। नेक्स्ट आई डबल हो गया सर। आ गया। अब मुझे यही चीज यहां पे चाहिए, ठीक है। तो यहां हम कर देंगे 5 + j j + 5, ओके। अब इसको वापस जो है, अब इसको कुछ ऐसा करना है जो इधर से उल्टा हो, तो इसी चीज को हम कॉपी करते हैं, ओके। कॉपी करने के बाद हम यहां कर देते हैं 6 - j, बन गया पिरामिड सर, समझे। बट ये पिरामिड में यहां 2 है, मैं चाहता हूं कि दोनों इसके ऊपर चढ़ जाए, तो एक ही रहे ऊपर में, तो 6 के जगह पे यहां पे 5 - j कीजिए, लेकिन इसमें प्रॉब्लम होगी। हाँ गैप फाइल करना पड़ेगा क्या? फाइल नहीं, स्क्रोल करते हैं, नीचे फाइल हो। और नीचे 5 करते हैं, नहीं यहाँ पे 6 ही होगा, क्योंकि फिर 5 - 5 = 0 हो जाएगा ना, और 0 सेल कोई होता नहीं है। अब हो गया, और ऊपर वाले को 4 कर दिए, ओवरराइट कर दिए, समझे। उस सेल कैसे सेलेक्ट कर रहा है सर? कौन सी सेल में क्या आना चाहिए? ये सेल फॉर्मूला है सर, देखिए आप एक एक करके समझिए, ठीक है। एफर्ट करते हैं, यहाँ एफर्ट हुआ, यहाँ पे आई कितना है 1, तो जे क्या चलेगा 1 2 1। अब यहाँ पे I1 और J1 1 + 4, तो ये कहाँ रख दिया, यहाँ पे 1 + 4 मतलब कि 5,
तो यहां से पांच कॉलम में रख दिया, एक दो तीन चार पांच में क्या रख दिया, आई रख दिया। अब यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, छ माइनस जे, जे क्या है, वन है, तो फिर ये इसी के ऊपर एक बार और स्टार रख दिया, तो यहां भी इसने दो बार स्टार कर दिया। ये हम नहीं किए हुए थे तो क्या था, हेलो। हेलो सर, क्वाड्रेंट सर। तो यहां पे वापस जब हम ये इफेक्ट करते हैं तो अब यहां पे आई क्या हो गया, टू हो गया। अब जो जो है जे जो है दो बार चले, पहला बार चला तो ए क्या हुआ, वन प्लस फोर या नीचे रखा, क्योंकि आई इस बार दो हो चुका है ना, इसे दो नंबर रो में रखा, फिर ये भी आपका सेम रखा। अब नेक्स्ट टाइम जो होगा, यहाँ पे नेक्स्ट टाइम होगा तो नेक्स्ट टाइम जे टू हो गया, जे क्या हो गया, टू हो गया। तो अब ये क्या करेगा, ए वाला कोड जो है यहां पर रखेगा, ठीक है, सिक्स में, सिक्स में रखा सर, और नीचे वाला कोड जो है कहां रखेगा, फोर में, सिक्स माइनस टू इक्वल टू फोर, समझ गए। अगली बार जो है आई क्या हो गया, थ्री हो गया, मतलब जे अब तीन बार चलेगा। तो पहला अब यहां पे रखा, पहला ये रखा, अब ये क्या करेगा, इसी ऊपर एक बार और ये रख देगा। अब यहां पे नेक्स्ट टू हो गया तो अब जो है जे यहां रखेगा ऊपर वाला, और नीचे वाला यहां रखेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट तीन था तो ये आगे रखेगा और ये फिर इतना माइनस करके रखेगा, समझ में आया सर कि नहीं अब, हेलो सर इसमें, ये समझ नहीं आ रहा, जब जे जे दूसरी बार दूसरी बार चलेगा चलेगा तो तो आई भी आई हमारा हमारा टू टू होगा और जे और भी जे भी हमारा हमारा टू टू मतलब वो हो मैं यहाँ पे जाएगा बता फोर रहा हूँ, टू तो। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए जितना बार रो है उतना ही कॉलम है, जितना नंबर दो है सिर्फ एक नंबर रो तो एक कॉलम, दो नंबर रो तो दो कॉलम, तीन नंबर रो तो तीन कॉलम, समझे। इसीलिए हमने आई को मान लिया रो जो कि एक से लेके पांच बार चलेगा, और जे को मान लिया कॉलम कि जितना आई का नंबर होगा उतना ही बार कॉलम चले, कॉलम उतना ही कॉलम, समझे कि नहीं। ओके ओके ठीक है अभी सर। मैं एक काम करता हूं, वो थोड़ा सेल सेल हमने कम यूज किया है ना सर, इसलिए तो वो थोड़ा अब एक कंफ्यूज हो काम रहा करता हूँ, नीचे वाला यहां पे कर देता हूँ, यहां इसको डिलीट कर देता हूँ, है। अब समझिए अब रेंज नहीं, हम आप रेंज नहीं यूज रेंज कर नहीं कर सकते हैं सर सकते हैं सर, इसमें। इस रेंज इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक है, दोनों नंबर है, अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, आई भी वन है और कॉलम भी वन है, तो रेंज कैसे यूज करेंगे, ए वन वन सी वन वन तो ना रेंज यूज कीजिएगा। अच्छा सर, सब समझिए। सबसे सबसे पहले वो पहले जे जे वाला वाला पूरा पूरा लूप लूप चलाएगा, चलाएगा, वन टू हाँ देखिए टू, क्या वन टू हुआ, वन, पहला वन टू लूप चला टू। इसने, पहला लूप चला, अब इसमें आई वन है तो इसने एक ही चला, मतलब फोर प्लस वन में पांचवें कॉलम में इसने स्टार डाल दिया। अब नेक्स्ट टाइम क्या है, आई टू है, अब जे को दो बार चलेगा तो पहले वो क्या करेगा, पांचवें कॉलम में फिर छठे कॉलम में स्टार को डालेगा, फिर इस बार अब तीन है आई थ्री है तो तीन बार चलेगा, तो तीसरे नंबर रो क्योंकि यहाँ पे आई रो है ना, आई थ्री हो गया तो तीसरे नंबर रो और छठे पांचवें नंबर कॉलम में जाएगा, फिर तीसरे नंबर रो छठे नंबर कॉलम में जाएगा, फिर तीसरे नंबर रो और सातवें नंबर कॉलम पे जाएगा, समझे, और इसी तरह से कंटिन्यूअस चलता जाएगा। और ए लाइन क्या करेगा, उसी चीज को करेगा लेकिन वो इस तरह से घटते हुए करेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस किया हो, क्योंकि प्लस किया इसलिए बढ़ते हुए जा रहा है, और माइनस करूंगा तो यहां से वो घटते हुए आए, समझ गए, जैसे यस सर, एक पिरामिड बन जाएगा, क्लियर है सबको। बेसिकली हम रो एंड कॉलम डिफाइन कर रहे हैं, उस तरह से जा रहा है वो। तो आप क्या करें, इसी को थोड़ा सा करें अलग करें, ठीक है ना, जैसे कि मैंने यहां रखा और मैं इसको करना चाहता हूं इस तरह से, इस तरह उल्टा उल्टा, और फिर यहां पे हम करना चाहते हैं इसको इस तरह से, ठीक है। उसके बाद दोनों आई को जेक कर दे, इसी जे को को आई कर दे कॉल तो हो करें, जाएगा अब इसी को आपको करना, आप करके देखिए ना सर, कहने से नहीं होता है सर, प्लीज ये ट्राई कीजिए इसको करना।
हो जाएगा सर। और फिर इन तीनों को लीजिए और यहां, समझे? क्लियर सर? इसकी एक स्क्रीनशॉट ले ये लीजिए एक प्लीज, कोड में सब कुछ। अलग अलग कोड बनाइए, जरूरी एक ही कोड हो, अलग अलग कोड बनाइए। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। अच्छा मैं लेके व्हाट्सएप कर देता हूँ सर प्लीज। सर रिकॉर्डिंग भेज देना इसकी। जरूर।